नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में ताल के बारे में, लय के बारे में आपको बताया था। क्लासिकल म्यूजिक में कुछ ताले हैं जो बहुत ही अहम रोल निभाते हैं आपकी प्रैक्टिस में और आपके बंदिशों गाने में, अलाप तान करने में बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो वो तीन ताले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है 10 मात्रा की ताल झप ताल, 7 मात्रा की रूपक ताल और 12 मात्रा की एक ताल। बेसिकली झप ताल जो है 10 मात्रा का ताल है, इसमें 4 विभाग हैं। 2 का विभाग है, फिर 3 मात्रा का विभाग है, फिर 2 मात्रा का विभाग है और फिर 3 मात्रा का विभाग है। ताली पहले पे होगी यानी कि पहला सम होगा, तीसरे पे ताली होगी, छठवें पे खाली होगा और 8वें पे ताली होगी। इस हाथ से कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, घी ना घी धी ना ती ना धी धी ना, फिर से घी ना घी धी ना ती ना घी धी ना धी। ये 10 मात्रा की ताल है और ये आपको बता दूं कि सम पे हमेशा तबला दोनों बजता है, भराव आता है हमेशा, ठीक है, और ताली पे भी भरा हुआ आता है और सबसे ज़्यादा सम पे भरा हुआ आता है, पर जो खाली होता है वो बहुत हल्का बजता है। ये तरीका है आपको तबले और पखावज ढोलक में पकड़ने का, ताली खाली कहाँ पे चल रही है। बाद नेक्स्ट हम ताल का बात करेंगे, रूपक ताल 7 मात्रा की ताल है, 3 विभाग है, 3 2 2 का, यानी 3 विभाग हैं, पहले में 3 फिर 2 फिर 2। तो इसके बोल हैं ती ती ना धी ना धी ना। अब कुछ लोग पहले जो सम है वहाँ पे खाली करते हैं, खाली एक्सप्रेस करते हैं और कुछ लोग सम पे ताली एक्सप्रेस करते हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर है कई लोगों में, बट चलन वही है। कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना ती। तो ये रूपक ताल हो गया। इम्पोर्टेंट ताल है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट ताल है एक ताल, जिसमें 12 मात्राएं होती हैं और 6 विभाग हैं, यानी कि 2 2 का 6 विभाग है, टोटल 12 हो गए। इसके बोल हैं धी धिन धागे तिर किट तू ना कत ता, धागे तिर किट धी ना धिन। अब एक ताल द्रुत में भी बजता है, मध्य लय में बजता है और विलंबित लय में भी बजता है। विलंबित ख्याल यानी कि बड़ा ख्याल जो है रागों में वो एक ताल पे ही गाया जाता है। तो एक ताल में 2 2 का विभाग होता है, 6 विभाग होते हैं, पहली मात्रा पे सम होगा और उस पर ताली होगी, इसके अलावा 2 जगह खाली होती है, 3 पे खाली होगी और 7वें पे खाली होगी, बाकी सभी जगह पे तालियां होंगी, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता, धागे तिर किट धी ना धिन। आई होप आज आपको इस 3 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ताले हैं, रूपक, झप ताल और एक ताल, इसके बारे में बताया। ये प्रयास अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी, तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।